गुड मॉर्निंग एवरीवन। और अभी सुबह सुबह घर के काम से निकला था, फाटक पटके हुए हैं, 10 मिनट से ट्रेन जा रही है। ये ट्रेन देखना सिर्फ बचपन में ही अच्छा लगता था, रोज पतले होने की बात करते हो, देखना कितने बड़े बड़े फैन खा रही है बैठ के। और आजकल तो यशी मैडम ने हीटर के पास ही अपना तामझाम रख लिया, यहीं ट्राइपॉड रख के यहीं पर वीडियो बनाती है, यहीं मेकअप करती है। उड़ाने दोस्त के घर पे आया, उसने ये लगा रखा था म्यूजिक वाला लट्टू। अभी आंटी आई है मीको और यशी के लिए इनर्स वगैरह लेकर, क्योंकि हम ट्रिप पर जा रहे हैं। आंटी मीको के लिए सबसे छोटा साइज लेकर आई थी, वो भी आप देख सकते हो उसके कितना पड़ा है। ये यशी ने दे दी है आंटी को चॉकलेट, जो आंटी के लिए लेकर आई थी। और मैं आ चुका हूँ पतंग उड़ा के वापस से फ्लैट। हम लोग जा रहे हैं ट्रिप की शॉपिंग के लिए, स्पेशली मीको को शॉपिंग करानी, क्योंकि उसके साइज के कपड़े नहीं मिले हम लोग को। कोशिश जारी है इसके साइज के कपड़े ढूंढने की, और कुछ कपड़े मिल भी चुके हैं इसके लिए, तो इसकी शॉपिंग ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। बड़ी प्रॉब्लम होती होती बची, मीको अपना फोन एक शॉप पर छोड़कर आ गई थी, वो तो किस्मत से आंटी अच्छी थी जिन्होंने कॉल उठा लिया और हम लोग को वापस फोन दे दिया। लो हमारे पेटू राम को फिर से भूख लग चुकी है। हे भगवान, इसकी पताशों से मैं परेशान हो चुका हूँ, हर जगह पताशी खाती है। और हम लोगों ने फिर खाई पाव भाजी, जो कि बहुत ही टेस्टी थी। वहां से सबको छोड़कर मैं आया मम्मी को चॉकलेट्स देने और मुझे से मिलने के लिए। एंड आज का व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग।